मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। आज फिर उन्होंने मुरादाबाद के दबंगियों के समर्थन में बयान देते हुए कोरोना वॉरियर्स पर पथराव करने वाली महिलाओं का खुलकर समर्थन किया। दरअसल आज सपा सांसद कुछ विधायकों को लेकर SSP और DM से मिलने पहुंचे। आगामी बकरा ईद को लेकर हो रही परेशानियों के संबंध में दोनों अधिकारियों से बात की और बाहर आकर मीडिया के कैमरे के सामने बयान देते हुए कहने लगे कि विगत 15 अप्रैल को नवाबपुरा में हुई घटना में महिलाओं का कोई रोल नहीं था, उन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया, जबकि वो तो घटना के स्थान से 300 मीटर दूर थी और जहां तक पथराव की बात है तो वो तो कुछ दबंगइयों पर हो रहा था, डॉक्टरों पर नहीं। कलेक्ट्रेट परिसर में खड़े होकर दिए गए बयान ने सपा सांसद ने सीधे तौर पर दबंगइयों के समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली को चुनौती पेश की है। विदित हो घटना के 2 दिन बाद ही घटना स्थल पर जाकर इलाके के लोगों से मुलाकात करते हुए उनका समर्थन करने की बात कही थी। हमारे 4 विधायक हमें कप्तान साहब से मिले हैं। ईद का त्यौहार सर पर है, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, तो जानवर के मूवमेंट के ऊपर परेशानी आ रही है, जिसको कप्तान साहब ने इस बात को कहा कि अब परेशानी नहीं होगी, जानवर के खरीदो फरोख्त के ऊपर कोई किराए नहीं, दूसरे कुर्बानी कैसे की जाएगी, लोग अपने घरों के अंदर कुर्बानी कर सकते हैं, बड़े जानवर की भी या छोटे की भी, जहाँ वो क्या करते थे, लेकिन सामूहिक कुर्बानी नहीं, जैसे एक गांव के लोग दूसरे गांव में चले जाते थे, सड़कों पे गलियों में नाली के डंडों पे कुर्बानी नहीं, ये तो मसला था। लोग दूसरे गांव में कुर्बानी करने जाते थे, तो इसका मतलब इस बार वो कुर्बानी नहीं कर रहे। कप्तान साहब ने कहा कि हम इस बात को और डिस्कस करेंगे DM साहब से, और हो सकता है इसका भी कोई हजम निकाल दें। लॉकडाउन यहाँ पे नवाबपुरे का मसला है, लोगों लोग बहुत परेशान हैं, काफ़ी दिन से जेलों में भी हैं, उनके सिलसिले में भी बात हुई है, हम सबके साथ इंसाफ चाहते हैं, हम सब ने इस बात को कहा, क्योंकि वहाँ पर एक मसला महिलाओं का हुआ, महिलाएं उस स्पॉट से तकरीबन 300 मीटर दूर थी और वो जो पत्थरबाजी हो रही थी वो पत्थरबाजी कुछ दंगाइयों के ऊपर हो रही थी, ना कि डॉक्टरों के और पुलिस के ऊपर। बहुत से लोग ऐसी धाराओं में चले गए हैं जिसमें उनको नहीं जाना चाहिए था, हमसे कप्तान साहब ने इस बात को कहा है कि सबके साथ इंसाफ होगा, हम पूरी इंक्वायरी करके इस मसले को भी कराएंगे। लॉकडाउन के विषय में क्या बात रहेगा सर? लॉकडाउन तो जो शासन के आदेश आएंगे उसके हिसाब से होगा, वो उनके हाथों में नहीं होता, अगर शासन का आदेश जो गाइडलाइन आएंगे उसी के हिसाब से लॉकडाउन होगा। ईदगाह के सिलसिले में ही बात हुई है, शाह मुकम्मल साहब की दरगाह में जाने में परेशानी हो रही है, ईदगाह अभी तक सील है, और ईदगाह के चौराहे की एक रोड भी 4 महीने से बंद है, उसके सिलसिले में भी बात हुई है और उसको भी खुलवाने को कप्तान साहब ने इंक्वायरी करके खुलवाने की वादा किया। मुरादाबाद के अवाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि त्यौहार आ रहे हैं, खुशियाँ मनाने का वक्त है, बहुत ही पुरसकून तरीके से त्यौहार मनाएं, इस वक्त हम और हमारा पूरा मुल्क एक जंग लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ, और उसमें हम सबको साथ देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमसे किसी और को कोरोना ना हो जाए या किसी वजह से ना फैले। इस सिलसिले में मैं तमाम ही आवाम से कहना चाहता हूँ कि अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें।